भाजपा से दो बार निष्कासित प्रीतम लोधी बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर रिश्तेदार की हत्या का आरोप लगाकर एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार प्रीतम ने आरोप लगाया कि उनकी रंजिश के चलते उनके रिश्तेदारों को टारगेट किया गया है। मार्बल व्यापारी उनके रिश्तेदार को बागेश्वर धाम महाराज का आदमी बिरजे शर्मा बहला फुसलाकर धाम ले गया। यहाँ उसे पीटा और कुछ खिला दिया गया। बता दें कि रिश्तेदार का शव डेड हाउस में रखने के बाद प्रीतम लोधी समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां प्रदर्शन किया। उन्होंने पैनल में जांच की मांग की, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया। हमारे रिश्तेदार हैं धारा सिंह लोधी जी और पुत्र महेंद्र सिंह जी, जो कि काम करते हैं मार्बल का, जो गए थे छतरपुर, वहाँ पर कुछ एक सरपड़ शर्मा जी हैं, उनको लेके गए थे धाम के अंदर बागेश्वर धाम में। वहाँ जाके उनके से क्या किया, उनके तो पैसे नहीं मिल रहे हैं। दूसरा उनको इतना मारा, मैं विशेष सूत्रों द्वारा मुझे मालूम पड़ा, उनको मारा गया, पीटा गया और बाहर फेंक दिया। तो बाहर से लोगों ने हॉस्पिटल में किया, हॉस्पिटल में जाके देखा गया तो मृत पाया। प्रीतम का कहना है कि वह भिंड में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। उनकी मांग नहीं मानी तो पिछोर से हजारों समर्थकों के साथ पैदल दिल्ली जाकर पीएम से मिलेंगे। हाल ही में ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोलने पर बीजेपी से प्रीतम लोधी लगातार चर्चा में हैं। ओबीसी महासभा का समर्थन मिलने के बाद प्रीतम के तेवर अलग ही हो गए हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। प्रीतम ने बताया कि उनके रिश्तेदार दारा सिंह नरवरिया निवासी गोला का मंदिर की संदिग्ध हालत की मौत की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, उनके शव का डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाए, साथ ही किसी निष्पक्ष अधिकारी से इस मामले की जांच कराई जाए जिससे सच्चाई सामने आ सके। गोवर्धन कॉलोनी गोला का मंदिर इलाके में रहने वाला दारा सिंह मार्बल का व्यवसाय करते हैं। दिनेश साक्य नामक युवक अपने साथ एक होटल मालिक बिरजेश शर्मा के यहाँ ले गया था, जहाँ उसने बिरजेश शर्मा से दारा सिंह को मिलवाया। दिनेश साक्य ने दारा सिंह को बताया था कि उसके मालिक बिरजेश शर्मा के होटल का काम बागेश्वर धाम पर चल रहा है। अगर बागेश्वर धाम में होटल के लिए जमीन लेना है तो वह साइट दिखा देंगे। न चाहते हुए भी दारा सिंह दिनेश की बातों में आकर बिरजेश शर्मा से मिलने चले गए। बातचीत के दौरान बिरजेश शर्मा ने प्रीतम लोधी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। प्रीतम लोधी के मुताबिक दारा सिंह का फोन अपने भाई लक्ष्मण नरवरिया के पास आया, जिसमें उसने बताया कि उनका बिरजेश शर्मा से विवाद हो गया है। उसके बाद बिरजेश शर्मा ने उन्हें कुछ खिला दिया, उसे चक्कर आ गया। भाई ने उसे वापस आने के लिए कहा। बिरजेश शर्मा ने वीडियो कॉल के जरिए बताया कि तुम्हारे भाई की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। तब उन्होंने दारा सिंह से बात कराने के लिए दबाव बनाया, तब बिरजेश शर्मा और दिनेश ने उनकी बात नहीं कराई। प्रीतम लोधी का आरोप है कि उस समय तक दारा सिंह की मौत हो चुकी थी। लक्ष्मण सिंह अपने भाई को देखने के लिए छतरपुर अस्पताल पहुंचे तो देखा वहां दारा सिंह मृत हालत में थे, जबकि वहां बिरजेश शर्मा दिनेश साक्य नहीं थे। उनका यह भी कहना है कि दारा सिंह के सिर और हाथ में चोटें लगी थी। बता दें कि बागेश्वर धाम के मैन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रीतम लोधी के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद की स्थिति बनी हुई है। प्रीतम ने जब ब्राह्मण समाज के खिलाफ बयान दिया था तो सबसे ज्यादा विरोध धीरेन्द्र शास्त्री ने किया था। प्रीतम का कहना है कि उन्होंने मेरी हत्या की धमकी दी थी, इसके बाद से प्रीतम के तेवर भी उन पर हमलावर है। प्रीतम लोधी ने ओबीसी महासभा के बैनर पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, रिश्तेदार की मौत को हत्या बताया है। आरोप है कि बागेश्वर धाम के संत ने मुझे मशाल डालने की धमकी दी थी, लेकिन वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो रिश्तेदारों को अपना शिकार बना लिया, उसके पैसे भी गायब कर दिए। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, अन्यथा वे आंदोलन पर मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।